तो सुपरफा फ्यूचर्स में हमारी कोशिश होती है कि कुछ एक बेहतर ट्रेड हम आपके सामने रखें और ये ट्रेड आपको अच्छा रिटर्न भी देते हैं। अब आज की कॉल्स लेना शुरू करते हैं। अभिजीत है मेरे साथ और साथ ही आशीष चतुर्मोता है, राजेश भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे एक्सेस सिक्योरिटी से, उनसे भी हम कुछ ट्रेड जानेंगे। तो आशीष आपसे शुरू करें, आज आपके दो FNO के बेहतरीन शेयर। जी डिम्पी, देखिए सबसे पहला ट्रेड मेरा होगा वी गार्ड के अंदर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वी गार्ड के अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि बाजार के गिरावट जिसमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट हम निफ्टी के अंदर करेक्ट हो गए, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है और हमने देखा ओपन इंटरेस्ट में काफी एडिशन इन 4 हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो पूरा एक कंजम्पशन थीम है कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। ये ट्रेंड हमने देखा है स्टॉक जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल, वर्लपूल, वोल्टास, इनके अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट अप मूव वीगार्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजिशनली मेरा मानना है ये स्टॉक 270 के टारगेट्स को छू सकता है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से 229 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और इमीडिएट टारगेट्स 250 के वीगार्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी निफ्टी 50 के अंदर में हिंदुस्तान लीवर के अंदर, जहां पर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और कल एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे 1275 के ऊपर हमें देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा एडिशन देखने को मिला और कल वॉल्यूम्स जो थे वो पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम्स को ऑलमोस्ट 40-50% हायर हमने इस स्टॉक को जाते हुए देखा। तो क्लियरली मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकेगी। 1260 का स्टॉप लॉस होगा और 1315 से 1320 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हिंदुस्तान लीवर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है आशीष, की दोनों कॉल्स यहां पे कंप्लीट हुई, तो वी गार्ड और दूसरा HUL है। HUL तो सुबह हमने 7 बजे भी आपको जगदीश ठक्कर की कॉल भी बताई थी, तो आज HUL पे ज्यादा कन्विक्शन रख सकते हैं। राजेश पलविया भी मेरे साथ जुड़े हैं, एक्सेस सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड है। राजेश शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, आपके आज के दो बेहतरीन FNO के शेयर्स। जी डिम्पी गुड मॉर्निंग, मेरा पहला स्टॉक होगा गोदरेज कंज्यूमर, द सेम स्पेस जिसमें आशीष ने भी आइडेंटिफाई किया स्टॉक। मुझे लगता है ये सेक्टर यहाँ से एक डिफेंसिव प्ले रोल करेगा क्योंकि जिस तरीके की गिरावट मार्केट में, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, तो ये स्पेस एक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है इसमें अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर में यहाँ से एक बाय पोजिशन बनानी चाहिए, इसमें एक अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में और स्टॉक ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में ही है और नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर में हमें एक इमीडिएट बेसिस पे 1030-1040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और उसमें 984 का एक स्टॉप लॉस यहाँ से रख के इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए मैं सलाह दूंगा। दूसरा स्टॉक होगा मेरा PC ज्वेलर, इसमें भी देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें बन के आया है और मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक 415 तक के लिए इसमें हमें इमीडिएट बेसिस पे एक अपमूव देखने को मिलेगा। तो 395 के स्टॉप लॉस से 415 के टारगेट के लिए PC ज्वेलर मेरा दूसरा स्टॉक होगा। ठीक है राजेश के भी यहाँ पे 2 शेयर पूरे हुए। राजेश शुक्रिया आपका भी। गोदरेज कंज्यूमर, PC ज्वेलर्स, एक तो FMCG का है हालांकि दूसरा खपत वाला शेयर PC ज्वेलर्स है और वी गार्ड और साथ ही HUL, 4 शेयर आपने नोट कर लिए होंगे। और जरा अभिजीत के दोनों ट्रेड्स भी आप नोट कीजिए। अभिजीत ऑलरेडी आपको इन्फोसिस बता चुके हैं, एक बार इन्फोसिस का टारगेट मैं आपको बता देता हूं, 1005 का टारगेट है। वो कह रहे हैं कि 994 के ऊपर अगर चल जाए तो इन्फोसिस आज का प्ले हो सकता है। सेटलमेंट वाला इशू भी इसके हक में आके खड़ा है, ये शेयर आज चल सकता है, 1005 का टारगेट है। अभिजीत आपका दूसरा शेयर। दूसरा डिम्पी फ्रॉम दी सीमेंट स्पेस, ACC ध्यान पे है, 1700-1705 का रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है, दैट इज अबव 1705, देन वी हैव अ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट इन आवर हैंड्स एंड ऊपर के तरफ कैन ओपन अप लेवल्स क्लोज टू 1740 और ऐसे एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए वन शुड यूज अ स्टॉप लॉस क्लोज टू दैट 1680 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे FNO के अंदर दो कॉल्स अभिजीत की पूरी हुई, एक तो इन्फोसिस और एक ACC। अब आपके सामने 85 सेकंड है, जरा 85 सेकंड के अंदर सारी कॉल्स को वापस नोट कर लें। आशीष कह रहे हैं कि वी गार्ड ध्यान रखें, HUL ध्यान रखें, आशीष की आज की दो कॉल्स हैं, अभिजीत की जो दो कॉल्स हैं इन्फोसिस हैं और एक ACC है, इस पर आप ध्यान रखें। और आज राजेश जो हमको बता रहे हैं वो गोदरेज कंज्यूमर्स हैं और PC ज्वेलर्स हैं। एक भी सेल कॉल आज नहीं है मार्केट के अंदर और ज्यादातर कन्विक्शन FMCG कुछ बड़े डिफेंसिव शेयर्स के साथ आके रुक गया है। तो आज बाजार एक कंसोलिडेशन का बाजार, एक रुका हुआ एक सपाट बाजार रह सकता है, इसके अंदर ये शेयर्स आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब ये सारे FNO के कॉल्स तो उम्मीद करें आपने नोट कर ही लेंगे। अब टुडेज ट्रेड भी देख लेते हैं। चलिए अंचल बताइए क्या है आज का टुडेज ट्रेड।
शुक्रिया अनिशा। आज के लिए जो शेयर रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का रहेगा। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और इसको चुनने की दो वजह हैं। पहले तो कंपनी के फंडामेंटल कारण अच्छे हैं, ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे। पूरी स्पेस को अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी की एसेट क्वालिटी बेहतरीन है, पूरे सेक्टर के मुकाबले अच्छी एसेट क्वालिटी रखने वाली कंपनियों में से एक मानी जाती है। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने अपना रूरल कारोबार एक्सपैंड किया, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, अब धीरे धीरे जैसे जैसे सीवी सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, कंपनी की भी व्हीकल लोन ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रही है। अब तकनीकी कारणों की बात करते हैं। आज के सत्र के लिए अगर आप इसके डेली चार्ट देखें, शानदार डेली चार्ट हैं, सभी एवरेजेस के ऊपर मूव कर रहा है शेयर। और वहीं अगर आप देखें कल के सत्र में इसने 10 डे मास एक अच्छा रिकवरी देखी थी। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर आज के सत्र में आप खरीदारी करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए, तो एमएनएफ फाइनेंस में खरीदारी करके चलिए। 460 का टारगेट रहेगा, 440 का आपका शुरुआती स्टॉप लॉस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान से रखिएगा और उसको ट्रेल करते चलिएगा जैसे जैसे शेयर में मूव हुआ। ठीक है, एमएनएफ फाइनेंस आज का टुडे ट्रेड 460 के टारगेट के लिए। ये कॉल भी आपने नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आज इन सभी बेहतर ट्रेड से आपको अच्छे का फायदा मिलेगा।